आइए दोस्तों इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। रेशियो बिटवीन रवीज एंड राम्स एज एट प्रेजेंट इज 2:3। ये रेशियो है किसका, रवि और राम की एज का, क्या है 2:3। 6 साल बाद आफ्टर, ऐसे नहीं बोला, रवि इज 6 ईयर यंगर देन राम। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली है इसने कि रवि जो है वो 6 साल छोटा है राम से, ठीक है, यंगर है राम से, मतलब छोटा है राम से। और पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ रवीज एज टू राम्स एज आफ्टर 6 ईयर विल बी, इन दोनों की एज 6 साल बाद प्लस 6 ईयर बाद कितनी होगी ये बताइए। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, रवीज एंड राम्स एज एट प्रेजेंट इज 2:5। लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी रहेगी दोस्तों, ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में। रवि को मान लेते हैं, रवीज की जो अभी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है, ठीक है, और राम की जो एज है प्रेजेंट एज वो कितनी है, वाई है, ठीक है। स्टेटमेंट बनाते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, एक्स बाई वाई दोनों की एज का रेशियो कितना है, 2:3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 3x इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, रवीज इज 6 ईयर यंगर देन राम। दूसरी स्टेटमेंट ये कहता है कि एक्स जो है, रवि जो है वो राम से 6 साल छोटा है, तो मतलब जो राम की एज है अगर मैं उसमें से 6 साल घटा दूँ तो मेरे को रवि की एज मिल जाएगी, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ परफेक्टली बना दी हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी मेरे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी मेरे पास आ गया। और पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ रवीज एज टू राम एज आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर सिक्स ईयर्स यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, एक्स प्लस 6 और वाई प्लस 6, इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये आपको ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स और वाई प्रेजेंट एज थी, 6 साल बाद इनका क्या होगा, जो इनकी एज है 6 साल बढ़ जाएगी, और हमें इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे रेशियो, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे ही फाइंड आउट होगी तो इस इक्वेशन नंबर 3 दोस्तों इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में, 3 into y minus 6 is equal to 2y, 3y minus 18 equal to 2y, 3y minus 2y equal to 18, y की वैल्यू आ गई 18, ये हो गई आपकी y की वैल्यू। जैसे y की वैल्यू 18 आई तो x equal to 18 minus 6 equal to 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, पीछे वाली इक्वेशन में रख देते हैं, x कितना था आपके पास 12 plus 6, y कितना था 18, ये आ गया प्लस 6, ये होगा 18 divided by 24, कितना आएगा 6 से अगर हम इसको करेंगे, 6 3 जा 6 4 जा, तो रेशियो कितना आ रहा है, 3:4 का रेशियो आ रहा है दोनों की एज में, कब, जब वो 6 साल बाद की बात कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो कितनी इजीली देखिए हमने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ब्रेक करी, ये थी स्टेटमेंट नंबर 1 और ये थी स्टेटमेंट नंबर 2, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई हैं, और जो हमसे पूछा गया था वो भी देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से बना लिया, और हमें इजीली नज़र आ गया कि हमें जी ढूंढना क्या है। काफ़ी जगह पे दोस्तों यही पता नहीं चलता कि ढूंढना क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से आप ये देखिए कि ढूंढना क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करिए और वापस पुट करिए जो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है। इस तरीके से दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।